नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी डिजिटली मनी ज़रूर ट्रांसफ़र किया होगा। और डिजिटली ट्रांसफ़र ऑफ मनी का मेरा मतलब है कि आपके हाथ में कैश नहीं है और फिर भी आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और ये प्रोसेस इंडिया में 2016 यानी डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी प्रोग्रेसिव रही है। तो इस वीडियो में हम उन सभी डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में, जो काफ़ी पुराने हैं और जिनको हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप या बैंक ब्रांच विजिट करके भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको RBI मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है। तो RBI की मॉनिटरिंग की वजह से यह काफ़ी सिक्योर मेथड है। अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख से कम हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके ये किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको नेट बैंकिंग यानी अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं और बैंक की ब्रांच को विजिट करके भी कर सकते हैं। यह मेनली बिजनेस क्लास के लिए है और मैक्सिमम लिमिट इसमें RBI ने फ्री हैंड दी हुई है। हर बैंक को अलग अलग बैंक की अलग अलग मैक्सिमम लिमिट है। जैसे RBI की 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ से ऊपर हम RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते SBI बैंक में। नंबर दो पे आता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोस्तों, आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताना कि कभी आपने बैंक को विजिट करके या फिर अपने नेट बैंकिंग से कभी पैसे ट्रांसफ़र किए हों और आपको 30 मिनट वेट करना पड़ा हो कि इसमें 30 मिनट लगेंगे पेमेंट को सेटल होने में। तो अगर दोस्तों ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो इसका मतलब है आपने NEFT से ही पेमेंट की है। जी हाँ दोस्तों, NEFT के बारे में अगर मैं बताऊँ तो NEFT को सेम RTGS की तरह RBI ही मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है। यह फैसिलिटी आम लोगों के लिए है। इसमें मिनिमम हम 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 लाख रुपये है। अब अगर मैं आपको इसके पीछे 30 मिनट का जो टाइम लगता है उसका कारण एक्सप्लेन करूं, तो जब भी हम रिक्वेस्ट डालते हैं या बैंक में जो कैशियर होता है वो NEFT के थ्रू बैंक से मनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालता है, तो यह इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के लिए रिक्वेस्ट RBI के पास जाती है और RBI इन्फॉर्मेशन को या इन सभी रिक्वेस्ट को हर 30 मिनट के बैच में वेरीफाई करता है। तो मानो कि आपने 12 बजे रिक्वेस्ट डाली है और RBI 12:30 बजे उसको वेरीफाई करके दे रहा है, तो आपको 12 से 12:30 तक वेट करना पड़ेगा। उस हाफ एन आवर के बाद ही आपकी पेमेंट सेटल हो पाएगी। अब आगे के पेमेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जिसका नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का काम है कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना बैंक्स को। तो NPCI एक अम्ब्रेला एंटिटी है। अम्ब्रेला एंटिटी का मतलब है कि इसकी कोई भी कंपिटिटर कंपनी है नहीं। RBI ने इसको परमिशन दी हुई है और अब जितने भी आगे मेथड्स आएंगे वो सभी NPCI के द्वारा ही बनाए गए हैं, या हम कह सकते हैं दीज ऑल आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ NPCI। तो चलिए एक एक करके हम NPCI के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको तो यहाँ पता तक भी नहीं होगा कि जो फ़ोनपे या जो आप अलग अलग UPI से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो NPCI के द्वारा ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं या NPCI की ही फैसिलिटी है। सबसे पहले नंबर पर आता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, UPI आपने ज़रूर कभी ना कभी इसको इस्तेमाल किया होगा। तो इसकी अगर डिटेलिंग की हम बात करें तो UPI 2016 में बना था और यह भी एक NPCI का ही प्रोडक्ट है। लेकिन UPI आने के बाद कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जैसे 2016 में जब UPI नहीं बना था उस टाइम डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र $61 बिलियन थी इंडिया में, और अब 21 फाइनेंशियल ईयर में यह ट्रांजैक्शंस $300 बिलियन की हो गई है। और अगर इंडिया में 2021 में 100 पेमेंट्स डिजिटली ट्रांसफ़र हुई थी तो 60 पेमेंट्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ UPI। तो आप देख सकते हो कि एक आसान और सिंपल पेमेंट मेथड को डेवलप करने से कितना कुछ इकोनॉमी को भी फायदा होता है। अब नेक्स्ट आता है भीम ऐप।
जी हाँ दोस्तों, भीम ऐप भी 2016 में ही डेवलप किया गया था। अब शायद यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भीम ऐप और यूपीआई तो एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि भीम ऐप तो एक एप्लीकेशन है और यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है। भीम ऐप से भी आप पैसे यूपीआई की मदद से ही ट्रांसफ़र करते हो, यानी भीम ऐप का बिना यूपीआई के कोई भी काम है नहीं। तो भीम ऐप एक अलग चीज़ है और यूपीआई अलग है। अब नेक्स्ट आता है भारत क्यूआर कोड। भारत क्यूआर कोड को 2017 में डेवलप किया गया। इसको डेवलप करने के पीछे एक रीज़न था, जो सबसे मेन रीज़न है वो ये था कि इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करना। इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि जैसे अलग अलग पेमेंट वॉलेट्स होते हैं, जैसे फ़ोनपे है, गूगल पे है, मोबीक्विक है, तो आप फ़ोनपे के क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और ऐसे ही गूगल पे को कोड को स्कैन करके आप मोबीक्विक में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भारत क्यूआर कोड डेवलप किया गया। भारत क्यूआर कोड एक सिंगल कोड है, इसको आप स्कैन करके आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। चाहे इसको आप फ़ोनपे से स्कैन करो, गूगल पे से स्कैन करो, मोबीक्विक से स्कैन करो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही था। अब इसके बाद है सबसे लास्ट AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में आधार नंबर को यूज़ करके पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है या पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। तो इस सिस्टम को गवर्नमेंट ज़्यादा यूज़ करती है, जैसे सब्सिडी देने के लिए, LPG सब्सिडी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से मेरा मतलब है कि PM किसान योजना है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें किसानों को पर ईयर 6,000 पे किए जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम AEPS की मदद से ही चलता है, सारी पेमेंट AEPS की हेल्प से ही की जाती है। LPG सब्सिडी भी और PM किसान योजना के जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।